तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। जयस को एक बड़ा झटका यहां पर मिला है और महेंद्र कन्नौज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और पहले बड़े आदिवासी नेता के तौर पर इनकी पहचान है। जयस के संस्थापक भी महेंद्र कन्नौज हैं और जय आदिवासी संगठन जिसे जयस नाम दिया गया है, ये एक झटका माना जा सकता है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि दूसरी तरफ जयस के ही एक नेता जो हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो दूसरी तरफ अब बीजेपी की ये कोशिश है कि आदिवासियों को साधा जाए, आदिवासियों में अपनी पैठ को और मजबूत किया जाए और इसी लिहाज से ये एक बड़ा प्रयास बीजेपी का माना जा सकता है। तो जयस के कई और नेता और कार्यकर्ता भी बीजेपी में आज शामिल हो गए और यहाँ पर देखिए लगता है कि कुछ अपनी बात भी रखने वाले हैं। कि जिस पार्टी पर पूरा विश्व भरोसा करता है उस पार्टी का मैं एक सदस्य बना हूं और मुझे इस बात की खुशी है। मैं एक सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, हम लोग आंदोलनकारी है, लेकिन हमेशा आंदोलन से कोई चीज नहीं होती, संवाद की भी आवश्यकता होती है। तो संवाद के रूप में मैं यहाँ पर सत्ता और संगठन से संवाद स्थापित करने हेतु आदिवासी क्षेत्रों में हम किस प्रकार से हमारे समाज का भला कर सके, गरीब तबके का भला कर सके, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कर सकते, इसलिए संवाद स्थापित करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से हमारे आदिवासी जन नायकों का इतिहास जो निकल कर आ रहा है, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लग रही है इंदौर जैसे महानगरों में, आज भवरकुआ चौराहे पे टंट्या मामा की मूर्ति लगना स्थापित करना, भव्य रूप से आज भी वो वहां पर विराजित है। इसलिए ऐसी अनेकों योजनाएं हमारे ट्राइबल क्षेत्रों की, मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनका भी मैं आज विश्वास के साथ यहां पर खड़ा हूं कि मुझे और मेरे समाज को आगे भी इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। साथ ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को, चूंकि मैं भी गांव से आया हूं, जमीन से निकलकर आया हूं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान होते हम लोगों ने देखा है, उसी के उदाहरण अनेकों है। बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, आप सभी को अवगति होगा। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय वीडी शर्मा जी, बाकी तमाम संगठन के वरिष्ठ जन, युवा साथी, मेरे साथ और भी युवा साथी लोग आए हैं, इसी विश्वास के साथ आए हैं कि हम समाज स्थापित कर अच्छा। चलिए अब खबरों की तरफ बढ़ते आगे और उज्जैन की बात करेंगे जहां पर बच्चों के विवाद में बड़े भी कूद गए और विवाद इतना बढ़ा कि इस दौरान गोली चल गई। इस दौरान आर्मी के रिटायर्ड जवान ने गोली चला दी। मौके पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस की ही मौजूदगी में फायरिंग हुई है। इस घटना में बीजेपी नेता प्रकाश यादव को गोली लग गई, जिनको सीधे अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। उधर पुलिस ने मुख्य आरोपी के बड़े भाई को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कही है। नागझरी थाना क्षेत्र में श्री प्रकाश यादव हैं, इनके और एक एसपी भदौरिया में रिटायर्ड फौजी हैं, इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ, पुलिस वहाँ मौके पे मौजूद थी और प्रकाश यादव जी को इनके घर के सामने पूरा मामला समझ रही थी। इसी दौरान ये सुरेंद्र प्रताप जो भदौरिया है ये आए, इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किए जो प्रकाश यादव जी को दाहिनी तरफ छाती पर लगी है। अभी उनका इलाज है संजीवनी अस्पताल में, वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। उनके बयान लिए जा रहे हैं। जो सह अभियुक्त है सुरेंद्र प्रताप भदौरिया के जो बड़े भाई हैं, उनको पुलिस ने अभी हिरासत में ले लिया है, अभी परिजनों से और पूछताछ की जा रही है। इधर भोपाल के छोला और गौतम नगर थाने का भवन नहीं है, थाना टीन शेड में चल रहा है, ये राजधानी का मामला है। बारिश के दिनों में पूरा थाना तालाब में तब्दील हो जाता है। भोपाल में गौतम नगर थाने का निर्माण 28 साल पहले हुआ था, वहीं छोला थाना बने
2010 में ये बना था और इसको भी 14 साल हो चुके हैं, लेकिन दोनों थानों को अब तक भवन नसीब नहीं हो पाया। तो पुलिसकर्मी कैसे काम करते हैं इस तस्वीर से सुन सकते। तो तय था चिरागा एक हर एक घर के लिए और कहाँ चिराग मयसर नहीं है शहर के लिए। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ भोपाल के थानों के लिए एकदम फिट बैठती हैं कि जगह जगह जो बातें कही जाती हैं कि देशभक्ति जनसेवा का बुलंद करने वाली नारा देने वाली पुलिस जो है उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हैं और लोग जो स्थानों में काम करते हैं उनके जीवन यापन के लिए कहें या फिर उनकी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो छोला थाना है ये यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, हल्की सी बारिश हुई है, बारिश में आलम ये हो गया है कि पूरा थाना जो है वो तालाब में तब्दील हो गया है। जो छत है क्योंकि यहाँ 2010 में ये थाना अस्तित्व में आया था और उसके बाद से लगातार ये बातें किए गए कि इस जल्दी बिल्डिंग बन ली जाएगी, लेकिन इस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब तक जो है इस थाने की बिल्डिंग नहीं बन पाई और उसी के चलते अभी तीन साइड में जो है ये पूरा थाना जो है वो संचालित हो रहा है। और देखिए जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है इस थाने में जल भराव की स्थिति हो जाती है और ऐसे में यहाँ जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके सामने बड़ी चुनौती हो जाती है कि जो दस्तावेज रखे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सके, इसके साथ ही जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके। तो तमाम जो दावे हैं बेहतर पुलिसिंग के लिए किए जाते हैं, लेकिन यदि पुलिस वालों को यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी या इस तरह के जल भराव की स्थिति में उनको काम करना होगा तो मध्य प्रदेश में आखिर बेहतर पुलिसिंग कैसे संभव है। अब बात एमपी की पहली ट्राइबल आईएएस मनीषा धारवे की। मनीषा ने 9वीं क्लास में कलेक्टर बनने का सपना देखा था और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद सपना साकार हुआ। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज से पढ़ाई कर खरगोन के झिरनिया तहसील के ग्राम बोंदरानिया की मनीषा धारवे आईएएस बनने वाली एमपी की पहली आदिवासी महिला बन चुकी हैं। मनीषा ने हर चुनौती का सामना कर ये सफलता हासिल की। माता पिता को मनाने में ही मनीषा को 1 साल लग गया। मनीषा ने कैसे हासिल किया ये मुकाम हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने उनसे खास बातचीत की। न्यूज 18 की तरफ से पहले सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। कितने चैलेंजेस रहे, कैसे तैयारियां की आपने? जैसे आपने मेंशन किया कि सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, हिंदी माध्यम रहा है, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हूँ, वो मेरे लिए कभी वीकनेस नहीं बनी, वो मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ो तो उसका कामकाज आपको समझ में आ रहा है, सरकारी हॉस्टल में रहो उसकी पूरा रूटीन समझ में आ रहा है, उसकी प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो कैसे हो रही है। ट्राइबल क्षेत्र में तो आपको ट्राइबल एरिया में हम देखते हैं कि डेवलपमेंट थोड़ा कम कहीं कहीं पर दिखता है, तो आपको वहाँ पर समस्याएँ बहुत ज़्यादा दिखती है, आपको पता होता है कि उसका समाधान कैसे हो सकता है और वहाँ पर प्रशासनिक तौर पर क्या कार्रवाई हो रही। तो मेरे लिए माइंड में था कि मैं बनूंगी तो मेरे लिए भी ये काम करने का मौका मिलेगा, तो मेरे लिए वो हमेशा स्ट्रेंथ रही कि प्रशासन में जाना है और वो काम करना है, तो वो स्ट्रेंथ था। फिर उसके बाद जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो चूँकि ये मेरा 4th अटैम्प्ट में हुआ, प्रीवियस 3 अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ था, कोविड का फेज़ हमने देखा, घर लौटना देखा, पानी की समस्याएँ देखी, बिजली की समस्या देखी, उसके बीच में लगातार डटे रहना और फाइनल सिलेक्शन। संसाधन की जहाँ तक बात है तो हमारे पास बहुत सारी स्कॉलरशिप है, अदर स्कीम्स है जो उन्हें मिल रही है, तो वो आगे बढ़ना चाहें उसमें खुद के स्तर पे भी प्रयास करना रहेगा कि आप सपने देखिए। आप सपने नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए वो है। तो पहले सपने देखिए, उसके लिए डटिए, मेहनत कीजिए, आपके साथ पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम खड़ा है। तो मेरे केस में भी यही रहा था। पहला कदम क्या होगा आपका? मेरा पहला कदम जो रहेगा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूँगी, क्योंकि जब कलम चलती है ना तो काफी दूर तक जाती है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।